साहब भी आ गए हैं वाशरूम से, वाशरूम से होकर आ गए हैं। हर व्लॉग में ये बंदा वाशरूम ज़रूर, इसकी इस जगह पे ना कुतुब अली होती है सही। तो यहाँ से फिर निकलते हैं, फिर आगे जाके जो है ना ज़्यादा मज़ा आएगा। यार मुझे भाई हमारे साथ साथ और भी लोग हैं जो जा रहे हैं, और ये इसने मुझे कह दिया कि भाई मैं चलाऊंगा, हालांकि बाइकर मैं हूँ सारा कुछ, इसने मेरी खुशी छीन ली है। कोई नहीं, अल्लाह ने पूछेगा इसे। बड़ा बैग मुझे दे। चलो भाई आगे चलते, बस ठीक है जाओ भाई। बाइकर सबसे पहले रूम लेना है यहाँ पे रहने के लिए, और फिर जो है ना यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह लाजमी ज़रूर। ये काफ़ी प्यारा है, काफ़ी प्यारा है, और यहाँ पे पिक्चर्स लेने के लिए भी आते हैं। बहुत प्यारा ये कभी माला है, गुजरा माला का माल और गुजरा माला वो देखें। अभी यहाँ से जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, फिर रूम वगैरह यहाँ से जो है ना वो हम देखते हैं कोई मिल रहा हो अच्छा सा, तो फिर जो है ना यहाँ पर। अभी तो ये बंद है सारा, रात को वो भाई मैंने पूछा था भाई से, वो कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना रौनक होती है रात को, तो वो देखने इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। फिलहाल यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले लें भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, लोगों को पता चले कि गुजरावाले आ चुके हैं। लॉक वेरी इम्पोर्टेंट ब्रो। सो गाइस अभी जो है ना हम गुजरांवाला के ये एक पार्क में आ गए हैं, जहाँ पे वो मेरा बैग अटक गया, जहाँ पर यहाँ पे गुजरांवाला आप देखने के लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी अभी हम गुजरांवाला के ये पीछे शॉपिंग मॉल है, जैसे कि आपको पहले वो पहले हेलमेट पे था, तो पता नहीं ठीक से मैं बोल भी पाया हूँ कि नहीं, मेरी आवाज़ भी आपको आई कि नहीं। अभी जो है ना हम ये बिल्कुल गुजरांवाला के जैसे ही आप एंटर होते हैं तो गुजरांवाला का माल आ जाता है, माल ऑफ गुजरांवाला जिसका नाम है। और ये देखें जी, आई लव गुजरांवाला, और वो पीछे मस्जिद देखिए कितनी प्यारी बनी हुई। और मज़े की बात ये है कि जैसे हम आ रहे थे ना, तो पूरी बाइकर्स की पूरा ग्रुप जा रहा है, मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहते हैं कि हम कश्मीर जा रहे हैं, तो वो कश्मीर बाइक्स पे जा रहे हैं, टूर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमारे पास कोई वधिया सी अच्छी सी बाइक आ जाती है, और फिर जो है ना हम भी टूर के लिए जाएँगे। और जो मैंने सोची हुई बाइक वो 110 थी, वो भी तकरीबन 2-3 है थी इस पूरे ग्रुप के अंदर, तो मतलब ये है कि हम इजीली जो है ना 110 के ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे वो आ जाएगी फिर जो है ना बड़े इंशाल्लाह लंबे लंबे और बड़े दूर दूर के टूर इंशाल्लाह करेंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और यहाँ पर ड्रोन शॉट लेते हैं। तो हम वहाँ से निकल के जहाँ पर हम खड़े हुए थे, जहाँ पे शूटिंग वगैरह की है, उसके बाद गुजरांवाला जो आई लव गुजरांवाला था, उसके बाद हमने खाना खा लिया है। खाना खा के काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस का हमने पूछा था, तो कुछ लोगों ने बताया, और अभी जो है ना हम राइट नाउ शेरांवाला बाग आ चुके हैं, और इसके साथ ही वो पलवानी होती है, क्या नाम है, अखाड़ा, तो उधर भी जाएँगे और आपको पहलवानी दिखाएँगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आ चुके हैं शेरांवाला बाग, यहाँ पे थोड़े बहुत शूटिंग वगैरह करके आपको दिखा के फिर आगे चलते हैं। वो सामने मुझे कोई चीज़ नज़र आई है, उधर जाएंगे, वो सामने टॉम पता नहीं किसका है, तो उधर भी जाते हैं फिलहाल। अभी तो यहाँ पे शूट वगैरह करके तो फिर जो है ना आगे निकलते हैं।
बाग बड़ा शांत है, यकीन करें मजे का। तो जी अभी हम यहाँ से हाँ वो सामने सामने बिल्कुल अभी निकलने ही लगे थे, ये अखाड़ा आ गया जहाँ पे ये पहलवानी करते हैं वो देखे सामने। तो यहाँ पे जो है ना हम रात को आएंगे, शाम को वो कह रहे थे कि 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे होती है कबड्डी, पहलवानी करते हैं, कबड्डी तो इसे नहीं कहते पहलवानी शायद कहते हैं। वो मैंने पूछा था यहाँ पे, मैंने कबड्डी कहा था, उन्होंने कहा भाई पहलवानी होती है कबड्डी नहीं होती। मैंने ठीक है। तो अभी शेरांवाला बाग से निकल के हम जो है ना वो कैंट की तरफ जाने लगे हैं। ये देखें ये अखाड़ा बना हुआ है। तो यहाँ से जो है ना जाते हैं कैंट की तरफ और वहाँ पे क्या नाम है, अभी हो रही है यार, पार्क भी है वहाँ पे एक, उधर भी जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा निशाने मंजिल है ना। हाँ निशाने मंजिल शायद नाम है, उधर जाएंगे कैंट जो गुजरांवाला गया, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक जो सबसे फन दुनिया है ना उधर जाएंगे ज़रूर, वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की चीज़ है। तो अभी ये देखें ये बस स्टार्ट करने लगे हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं, थोड़ा वेट ना कर लें। हाँ करते हैं, अंदर चलते हैं ना, थोड़ा वेट करके जो है ना फिर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आगे चले जाते हैं, दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जी पहलवान साहब लगे हैं, आए हाय सही कहते हैं पहलवानों का शहर है ये छोटा पहलवान। अभी देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है प्रैक्टिस करने लगे हैं, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे करेंगे कुश्ती वगैरह जो भी। तो अभी जो है ना यहाँ पे बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो रेसलिंग होती है उनका भी कोई ना कोई दिन मखसूस होता है। हम अभी आए हैं सैटरडे को और सुबह तक यहाँ पे फ़िलहाल मगर यहाँ पे कोई अभी सीन नहीं है रेसलिंग का, और इन्होंने वैसे यहाँ पे डेट लिखी हुई है, इन्होंने अपना लगाया तो हुआ है 10 फरवरी का शायद, ये 10 फरवरी को है ना जो ये शायद होगा यहाँ पे रेसलिंग होगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जीते हुए हैं अवार्ड वगैरह। अच्छा ये अंकल से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल जी, कब होती है यहाँ पे रेसलिंग वगैरह? अभी होनी है ये, अभी क्या या प्रैक्टिस कर रहे हैं? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। अच्छा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान करेंगे आपस में, चलें सहयोग। तो बस अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो देखते हैं, और वो आपको दिखा के फिर ही आगे निकलेंगे। वैसे अभी हमारा माइंड था कि कैंट की तरफ चलें और वहाँ पे फन दुनिया जाएं और बाकी आगे जितने भी प्लेसेस हैं उधर विज़िट करें। तो यहाँ पे ये करते हैं तो थोड़ा शूट करते हैं ना और फिर आगे निकलते हैं।